तब संत कुमारों ने कहा कि नारद जी वो सत्कर्म है सप्ताह प्रायण ज्ञान यज्ञ, आप सप्ताह प्रायण कीजिए। अब नारद जी ने कहा महाराज ये कहां पर करें? बोला गंगा जी के तट पे कीजिए, गंगा जी के तट पे एक आनंद नाम का तट वहां पे कीजिए। और वहां पे चारों भाई पहुंचे संत कुमार और चारों ने बड़ा ही सुंदर व्यास मंच बनाया और व्यास मंच पे चारों भाई आसीन हो गए। और सामने नारद जी भी अपना आसन लगा कर बैठ गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी तीन आसन लगा दिया। और जैसे ही पता चला, खबर पड़ी कि संत कुमार कथा सुना रहे हैं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक कर वहां पर संतों का आगमन होने लग गया। जो गृहस्थ संत थे वो अपनी पत्नी अपने पुत्रों के साथ बच्चों के साथ आए और जो गृहस्थ नहीं थे वो अपने शिष्यों को लेकर वहां पर पहुंचे। कुंभ जैसा माहौल बन गया, बड़ा सुंदर वातावरण बन गया। अब महाराज जैसे ही कथा सुना रहे थे, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और भक्ति महारानी से रुका नहीं गया। भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई नाचती हुई वहां पर प्रकट हुई। जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, नारद जी ने कहा ये स्त्री कौन है और इन संतों के बीच में क्या कर रही है? संत कुमारों ने कहा नारद जी ये वही है जिसके लिए आपने ये भागवत जी करवाई है, जिसके लिए आप ये भागवत जी करवा रहे हैं। भक्ति महारानी से रुका नहीं गया और भक्ति महारानी वहां पर ताता थैया कर कर नाचने लग गई। और आइए हम भी सभी भक्ति में भरकर सभी नाचते हुए सभी मस्ती से आइए चलते हम भी